सीलिंग का काम स्टार्ट कैसे करते हैं, ये बेसिक एक सवाल है हमारे व्यूअर्स का कि सीलिंग का लेवल स्टार्टिंग जो वर्क है सीलिंग का, वो सीलिंग का लेवल वाटर लेवल करना ही सबसे स्टार्टिंग वर्क है फॉल सीलिंग करने के लिए। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हम लोगों का सीलिंग करने के लिए, प्लेन सीलिंग करने के लिए या फिर नॉर्मल डिजाइन सीलिंग करने के लिए एक वाटर लेवल करना बहुत ही ज़रूरत का काम होता है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वाटर लेवल कैसे किया जाता है। सब्सक्राइब करें इंटेंट जगत चैनल को और पास ही इस बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि मिले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले। ऐसे ही रोजाना डिजाइन वीडियोस में लाता रहता हूं आप सभी के लिए। सबसे पहले हम लोग फ्लोर से 5 फीट 4 फीट आपके अपने हिसाब से फ्लोर से आप एक हर एक जगह फ्लोर से आप 5 फीट का एक मेजरमेंट ले लीजिए। मेजरमेंट लेने के बाद आपको यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक दाग है ये वाला, यहाँ पे देखिए आपको क्लोज करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग 5 फीट का इस जगह में हम लोग एक दाग देते हैं, देखिए दिख रहा है। ये 5 फीट का दाग देने के बाद हम लोग इसको एक दाग को 5 फीट देने के बाद हम लोग हर एक को एक वाटर लेवल से हम लोग मिलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं उस 5 फीट के लेवल से ये लेवल हम लोग को यहाँ पे वाटर को मिलाना पड़ता है ताकि ये जो लेवल है वाटर लेवल आपका एक इस मेजरमेंट से सारा ही वाटर लेवल से जब मिलेगा तो पहले हम लोग यहाँ नीचे वाला एक लेवल दे देते हैं जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये लेवल मिलाना बहुत ही ज़रूरत होता है क्योंकि कभी कभी फ्लोर जो है आपका डेड लेवल में नहीं होता है या फिर वाटर लेवल में नहीं होता है, उसके लिए आपको पहले ये नीचे वाला एक लेवल करना होगा। नीचे के बाद एक ऊपर का आता है जो कि आपको जितना सीलिंग से ड्रॉप करना है उसके हिसाब से ये वाटर लेवल आपको फिर से ऊपर की तरफ के लिए करना होगा जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि वाटर लेवल कैसे करते हैं या फिर सीलिंग जो लेवल में होगा वो कैसे करते हैं। तो आप यहाँ नीचे में देख रहे हैं जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये वाटर लेवल चेक करके पूरा एक एक कॉर्नर को हम लोग जैसे इस वाल में मिनिमम हम लोग यहाँ पे कॉलम है बोल के, अगर ये स्ट्रेट होता तो हम लोग का 2 वाटर लेवल से काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे हम लोग का 2 कॉलम है। दूर से आप देखिए यहाँ पे 2 कॉलम है बोल के, इसलिए हम लोग को थोड़ा ज़्यादा वाटर लेवल लेना पड़ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बाद फिर एक वाटर मतलब पूरा चारों कॉर्नर में हम लोग का ये वाटर लेवल होगा। जैसे देखते हैं कि पहला एक जो पॉइंट हम लोग करते हैं उस पॉइंट को हमेशा एक जगह में खड़ा रहना पड़ता है वो लेवल को पकड़ के। उसके बाद ये जो और एक जो नेक्स्ट एंड वाला जो होता है जैसे कि ये यहाँ पे हम लोग किए पहले, फिर इसके बाद इसको आगे बढ़ते रहना है, उसको हर एक कॉर्नर में जाके लेवल करना है क्योंकि ये जो है ये इसका एक लेवल है जो वहाँ पे वो पकड़ के खड़ा है उस लेवल को वो इस तरफ ला रहा है। तो इस बंदे को सिर्फ यहाँ से कॉर्नर टू कॉर्नर सारे जगह में जाके वहाँ पे जब वो पानी जो होता है लेवल पाइप का वो पानी वहाँ पे खड़ा होता है मतलब वो अस्थिर होता है जब एक लेवल में आता है तब जाके वहाँ पे वो पेंसिल का जो होता है वो दाग मारना पड़ता है ताकि उसका एक लेवल हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वो पानी थोड़ा टाइम लेता है खड़ा होने में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा एक लेवल यहाँ तक हम लोगों का इस रूम में हो चुका है। जैसे कि वहाँ से बोलने के बाद कि वो वाटर एक साथ में हो गया है तब वहाँ पे जाके हम लोग लेवल करते हैं और ये यहाँ पे ऐसा डाल देना होता है ये जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर वो वाला एरिया को हम लोग वहाँ पे एक हो गया, फिर आप इसके बाद वहाँ पे जैसे कि ये खड़ा है वहीं पे फिर से पकड़ेगा, वो पकड़ने के बाद वहाँ पे वो मिलाएगा कितना वहाँ पे पॉइंट आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पाइप को थोड़ा उठा के उसी दाग में फिर से रखना होता है पाइप को, उसका जो पाइप के अंदर पानी है उस पानी को वहाँ पे मिलाना पड़ता है ये जैसे देख रहे हैं आप। ये काम में टाइम लेता है क्योंकि ये लेवल ही आपका सीलिंग का एक बैलेंस जो है दिखने में या फिर लुक वाइज वर्क वाइज पूरा इसका एक काम करता है जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। आपको शायद दिख रहा होगा पानी हम लोग का यहाँ पे लेवल है और पानी के पास से यहाँ पे दाग मारना तो बस। वाह,
तो जैसे कि देखा आपने, मैंने ये दिखाया आपको कि लेवल कैसे करना है, लेवल कैसे किया जाता है। ये पहला फॉसिल का पहला स्टेप है, तो मैंने पहला स्टेप आपको दिखाया। सेकंड स्टेप भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।